हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिजिक्स के चुंबकत्व के हमारे आखिरी टॉपिक की हम बात करते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें चुंबकीय पदार्थ के ऊपर हमें चर्चा करना है। चुंबकीय पदार्थ में तीन प्रकार के चुंबकीय पदार्थ की बात होती है। एक है अनुचुंबकीय पदार्थ अर्थात पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ अर्थात फेरोमैग्नेटिज्म, और तीसरा जिसकी हम बात करते हैं वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ अर्थात डायमैग्नेटिज्म। तो जब हम इन तीन प्रकार के चुंबकीय पदार्थ की बात कर रहे हैं तो इन तीनों प्रकार के चुंबकीय पदार्थ में हम इनके अलग अलग गुण के आधार पर डिफरेंशिएशन लेंगे। इनके जो गुण हैं, गुण अलग अलग प्रकार के गुण हमें प्राप्त होते हैं। तो पहला जो गुण हम बात करते हैं वो है चुंबक का प्रभाव। पहला जो गुण है जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं वो है चुंबक का प्रभाव, या हाँ ठीक, चुंबक का प्रभाव की बात करते हैं। पहले गुण चुंबक के प्रभाव के तात्पर्य यह है कि अनुचुंबकीय पदार्थ को जब कभी आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होंगे, आकर्षित होते हैं। तो इसका जो पहला जो बात है चुंबकीय चुंबक का प्रभाव का, तो चुंबक के प्रभाव में ये लिख सकते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ भी बिल्कुल इसी के जैसे हैं कि ये भी चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, और ये तीव्र रूप से आकर्षित होते हैं। ये सामान्य रूप से आकर्षित होगा, ये तीव्र रूप से आकर्षित होंगे। अर्थात जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को आप किसी चुंबक के पास ले जाएंगे तो बहुत तेजी से खींच के आ जाएगा उसके पास में। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है बहुत तेजी से खींच के आएगा मगर वो भी चुंबक की ओर ही खींच कर आएगा, किंतु प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ये चुंबक से क्या हो जाते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे यदि हम बात करें अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के साधारण परिभाषा के बारे में, तो साधारण परिभाषा बिल्कुल ऐसा हो सकता है अनुचुंबकीय पदार्थ को हम ऐसे पदार्थ ले सकते हैं जिनमें खुद का चुंबकत्व तो नहीं होता किंतु चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो सकता है। ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म या लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, ये ऐसे चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनमें खुद के बहुत थोड़ी मात्रा में चुंबकत्व उसके अंदर में मौजूद होता है एवं चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर ये बहुत अच्छे तरीके से क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर अपना स्वयं का चुंबकत्व तो नहीं होता, साथ ही साथ यदि हम इसे किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाएंगे तो भी ये चुंबकत्व ग्रहण नहीं कर सकता, ना ये चुंबकित हो सकता। तो ऐसे पदार्थ जिसको कितने भी चुंबकत्व में रखो उसमें चुंबकत्व नहीं आ सकता या वो चुंबकीय प्रवृत्ति ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जैसे है कि आप उसको कितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं होगी या वो मीडियम इलेक्ट्रीफाई नहीं हो सकता। तो बिल्कुल वैसा ही है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कि हम इसे कितने भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्यों ना रखें वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को अपने आप से होकर जाने नहीं देगा, पहली बात है। दूसरा चीज है कि वो पदार्थ का कोई भी अणु चुंबकत्व ग्रहण नहीं करता। तो ऐसे पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इन तीनों पदार्थ के हम एक एक क्या करते जा रहे हैं, पॉइंट वार पॉइंट हम इसके जितने भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहली विशेषता थी कि चुंबक का प्रभाव, अर्थात बाह्य चुंबक को जब हम रखेंगे तो बाह्य चुंबक को रखने पर अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या प्रभाव होगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जब हम बाह्य चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। लौह चुंबकीय पदार्थ तीव्र रूप से आकर्षित होते हैं किंतु प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ये पहले चीज के बारे में हम बात कर रहे थे। दूसरा जो हम बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका दूसरा जो है चुंबकीय क्षेत्र, इसको मैंने ले लिया बी में
लटकाने पर क्या प्रभाव होगा, लटकाने पर प्रभाव। अब ये देखिए, जब किसी आप अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा, इसको एक हम छोटे से क्या करते हैं डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं कि ये देखिए, ये हमारे पास में नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है। इस प्रकार से यदि इनके मध्य कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इन पर यदि कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, ये ऐसे, दूसरे जगह पर भी हम क्या करते हैं इसी प्रकार का हम चित्र बना लेते हैं, ये और इधर भी हमने क्या कर लिया, ऐसा एक चित्र बना लिया। ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल हुआ। ये चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर और यहां भी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एन से एस की ओर अर्थात नॉर्थ से साउथ की ओर है। अब अनुचुंबकीय पदार्थ को या लौह चुंबकीय पदार्थ को या प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब आप इन चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे क्या होगा, जब लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो वो पदार्थ बिल्कुल इसके समानांतर अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। ये लाल रंग का जो पदार्थ जो ये दिखाया जा रहा है, ये पदार्थ बिल्कुल कैसा, इस प्रकार से हम इसको किसी भी इसमें सेट करें, ये बिल्कुल अपने आप को इस प्रकार से क्या कर लेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में अपने आप को अलाइन कर लेगा। यहां भी वो बिल्कुल एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने आप को अलाइन कर लेगा, मगर प्रति चुंबकीय पदार्थ में आप पैसा भी रखो, वो अपने आप को बिल्कुल इसके लंबवत रूप में क्या करेगा, अलाइन करता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि यहां भी चुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ बिल्कुल इसके क्या हो जाता है, समानांतर अलाइन होता है, मगर प्रति चुंबकीय पदार्थ में ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या कर लेता है, अलाइन कर लेता है। तो ये दूसरी इसकी प्रकृति थी। तीसरी जो प्रकृति है, तीसरी प्रकृति में हम ये बात करते हैं कि जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ को या लौह चुंबकीय पदार्थ को या प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम ऐसे बुरादे के रूप में क्या कर लेते हैं, पीस के रख लेते हैं, तो तीसरा जो प्रॉपर्टी हम इसकी जो बात कर रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कि चूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रभाव क्या होगा। तो हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से ये हमारे पास एन एस है और एक कांच के बाउल में इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ऐसे पदार्थ को हमने रख दिया। जब पदार्थ को रख दे रहे हैं इस प्रकार से, ये इस पर ये जो डॉट डॉट दिख रहा है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है जिसको हमने क्या कर दिया, चूरा बनाकर रख दिया हुआ है। तो इस पर हम एक चीज देखते हैं कि ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है ये तीव्र चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात ये जो इस प्रकार की स्थिति से वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है कि इसके ये बीच वाला हिस्सा जो है वो खाली हो जाता है, पूरा चुंबकीय क्षेत्र जो है बिल्कुल इसके ऐसे ऐसे किनारे किनारे एरिया पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। मतलब ये अनुचुंबकीय पदार्थ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर चला गया और बीच में ये एरिया क्या हो गया, आपका खाली हो गया। सेम यही कंडीशन क्या होता है लौह चुंबकीय पदार्थ में होगा, एग्जैक्टली यही पॉइंट हमारे पास लौह चुंबकीय पदार्थ में भी देखने को मिलता है कि यदि इस प्रकार से कोई ऐसे करके बाउल में यदि हमने रखा है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जो भी लौह चुंबकीय पदार्थ है जिसके हम उसके चूर्ण को हम डालेंगे तो क्या देखते हैं, इसके बिल्कुल इसके नजदीक वाले क्षेत्र पर ये जो नजदीक हिस्सा जो है, नजदीक हिस्सा का तात्पर्य क्या है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जो बिल्कुल इस पोल के नजदीक ये वाला ये जितने चूर्ण है वो अपने आप को आकर्षित कर लिए, ये साउथ पोल है, साउथ पोल के बिल्कुल नजदीक है, एक दूसरे को क्या कर लिए, आकर्षित कर लिए, ये बीच का हिस्सा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। मगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ में यही स्थिति चेंज हो जाती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर
ये कैसा होता है, किस प्रकार की स्थिति देखने में मिलती है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जब हम ऐसे बाउल को रखेंगे तो इसमें क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल के पास में ये कम आकर्षित होते हैं और ये इन दोनों से रिपल हो जाता है, वो पदार्थ जो है इस बीच में क्या है इकट्ठा हो जा रहा है। तीनों में अंतर क्या है कि लौह चुंबकीय पदार्थ हो या अनुचुंबकीय पदार्थ हो, ये पदार्थ जो है वो चुंबकीय ध्रुव की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यहां भी देखिए आकर्षित होकर एक जगह पर इकट्ठे हो गए, यहां भी आकर्षित होकर एक जगह पर इकट्ठे हो गए, मगर यहां प्रतिकर्षित होकर उससे दूर चले गए और बीच में जाकर क्या कर लिया, वो बीम टाइप का शेप बना लिया। तो ये दूसरे चीज के बारे में यहां पर क्या हो गया, ये बात हुई। अब हम बात करते हैं म्यू आर के संबंध में, चौथा जो महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में, इसको बोला जाता है अपेक्ष या अपेक्षित चुंबकशीलता। अपेक्षित चुंबकशीलता जिसे म्यू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या रहता है, अपेक्षित चुंबकशीलता जो है वो एक से ज्यादा होता है हमेशा, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ में अपेक्षित चुंबकशीलता 1000 से भी ज्यादा होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से क्या होता है, कम होता है। 1 से कम होता है मगर शून्य से ज्यादा भी हो सकता है और शून्य के बराबर भी हो सकता है। तो यह आपको पूछा जा सकता है भाई कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अपेक्षित चुंबकशीलता का मान शून्य हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अपेक्षित चुंबकशीलता में म्यू आर का मान, लेकिन जो रिलेटिव परमिटिविटी इसका वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 से क्या होता है, लेस देन होता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, म्यू आर का वैल्यू जो है वो 1000 से ज्यादा होता है, अर्थात 1000 से ज्यादा होता है, और अनुचुंबकीय पदार्थ में 1 से ज्यादा होता है। तो ये तीनों वैल्यूज को अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं हम ये अपेक्षित चुंबकशीलता के बारे में। अब सामान्य हम बात करते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता, निरपेक्ष चुंबकशीलता। निरपेक्ष चुंबकशीलता का तात्पर्य है सामान्यतः म्यू, अर्थात ये सभी पदार्थ की अपने अपने चुंबकशीलता होगी, तो इन सबके जो चुंबकशीलता है इनकी चुंबकशीलता का मान क्या होगा। तो इनके चुंबकशीलता को हम वायु से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हम ये देखते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता में कि इनकी चुंबकशीलता का मान वायु से क्या होता है, ज्यादा होगा, जबकि इसकी जो निरपेक्ष चुंबकशीलता है वो वायु से क्या होते हैं, कम होते हैं। और सॉरी, लौह चुंबकीय पदार्थ में ये वायु की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, इसमें केवल ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा है, और इसकी तुलना में क्या हो जाता है, ये वैल्यू वायु की तुलना में कम हो जाता है। जब चुंबकशीलता की बात हम इस प्रकार से कर रहे हैं, अर्थात चुंबकत्व ग्रहण करने की बात करते हैं, तो जब चुंबकत्व ग्रहण करने की बात कर रहे हैं तो इस पर हम अब अगला जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं, छठवां, कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति का तात्पर्य क्या है कि यह जो पदार्थ है वो पदार्थ चुंबकत्व ग्रहण कर सकता है कि, और चुंबकीय प्रवृत्ति को हम सक्सेप्टेबिलिटी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके स्थिति में सक्सेप्टेबिलिटी जो रहता है वो धनात्मक होता है, इसकी स्थिति में भी सक्सेप्टेबिलिटी का मान जो रहता है वो धनात्मक है, किंतु प्रतिचुंबकीय पदार्थ की स्थिति में ये जो वैल्यू है ये ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक शब्द ही इस बात को बताता है सक्सेप्टेबिलिटी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कितना भी चुंबकत्व आप दो वो किसी भी स्थिति में चुंबकत्व ग्रहण नहीं करेंगे, इस बात को बता रहा है। ये कुछ छोटी छोटी क्या है, चीजें हैं। अगला जो है तापमान पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव तो हम ये देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, यदि सक्सेप्टेबिलिटी की मैं बात करूं,
चुंबकीय प्रवृत्ति, तो ये क्या होता है, तापमान की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात तापमान बढ़ाते जाओगे उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होते जाएगी, घटते जाएगी। लौह चुंबकीय पदार्थ में यही जो वैल्यू है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/T-TC के। ये TC जो है कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, और इस क्यूरी टेम्परेचर के बारे में मैं जैसे ही ये टेबल कंप्लीट होगा उसके बाद डिस्कस करूंगा। तो सक्सेप्टेबिलिटी या चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका तात्पर्य यह है कि तापमान बढ़ाते जाओ चुंबकीय प्रवृत्ति घटते जाएगी। यहां भी वही है कि तापमान आपने बढ़ाते गया चुंबकीय प्रवृत्ति घटते गया, मगर ये जो है तापमान पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। ये इतनी चीजें थी। अब अंतिम जो बात है आठवां बिंदु, इनके उदाहरण। तो उदाहरण क्या क्या है अनुचुंबकीय पदार्थ के, जो उदाहरण है वो है मैंगनीज, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। एग्जाम्पल देखते जाइए, मैंगनीज, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब क्या है अनुचुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, इन टाइप की चीजें। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, इन टाइप की जो चीजें हैं ये सब क्या है लौह चुंबकीय पदार्थ। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या आते हैं, इसमें बिस्मथ, वाटर, एंटीमनी, गोल्ड। इसमें कौन कौन से हैं आपके पास, बिस्मथ है, एंटीमनी है, गोल्ड है, वाटर है, H2O, इन टाइप की जो चीजें हैं ये सब के सब आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल या प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। तो चुंबकीय पदार्थ के गुण से संबंधित इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और पिछले दोनों ACF में यह क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ छांटिए, निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ छांटिए, निम्न में से अनुचुंबकीय पदार्थ छांटिए, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए। हालांकि प्रतिचुंबकीय के ऊपर क्वेश्चन दोनों बार पूछा गया है। तो हम इन दोनों चीजों को यदि देखते हैं कि अनुचुंबकीय है या फिर लौह चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय है, तो इनको हमें याद रखना है। मगर इसके अलावा भी एक छोटा सा हम ट्रिक समझ लें या छोटा सा तरीका हम सीख लेते हैं कि दिए गए पदार्थ को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया जो पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है या दिया गया पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, उसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं। दो चीजें हमें अभी पढ़नी है। पहला तो यह है कि चुंबकत्व पर तापमान का प्रभाव, चुंबकत्व पर तापमान का प्रभाव। यह जो टॉपिक यह है कि हमने देखा कि जो भी चुंबकत्व होता है जिसको हम चुंबकीय प्रवृत्ति सक्सेप्टेबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा तापमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हम टी बढ़ाते जाएंगे, तापमान बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, घटते जाएगी। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, पहली स्थिति हम किसके लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देखिए फेरोमैग्नेटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकत्व बहुत ज्यादा है, अपने खुद के चुंबकत्व है। तो जब तापमान को हम बढ़ाते जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, तापमान बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तापमान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक ऐसा समय आएगा जहां फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में बदल जाएगा, पैरामैग्नेटिक में बदल जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से एक छोटा सा स्केल जैसे हमने क्या किया, ड्रॉ किया,
इस जगह पर कोई पदार्थ जो है वो क्या है हमारे पास में, फेरोमैग्नेटिक है। जब तापमान को बढ़ाओगे, तापमान बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एक तापमान हमें ऐसा मिला, एक टेम्परेचर जिस पर कि यह फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ है यह किसमें कन्वर्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक में बदल गया। इस तापमान को टीसी कहते हैं, जिसे क्यूरी टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। अर्थात क्यूरी तापमान क्या है, क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर है, वो तापमान है जिस तापमान पर यदि तापमान को हम बढ़ाते गए तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उस ताप पर फेरोमैग्नेटिक से किसमें बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है। अर्थात तापमान बढ़ाते जाओगे फेरोमैग्नेटिक का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होते जाएगा। तो जिस तापमान पर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदलता है उस तापमान को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। अब पुनः इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल पर फिर से तापमान को क्या करते जाइए, बढ़ाते जाइए, तापमान को फिर बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं। एक तापमान ऐसा मिला जिस तापमान पर यह पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसमें चेंज हो गया, डाई मैग्नेटिक मटेरियल में बदल गया। इस तापमान को हम टीएन के नाम से जानते हैं, जिसको नील टेम्परेचर कहते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के तापमान है, क्यूरी तापमान क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, वो तापमान जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है उसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। नील टेम्परेचर क्या होता है, ये सॉरी मैंने नील लिख दिया है, ये नील है, एन डबल ई एल, नील टेम्परेचर। नील टेम्परेचर क्या होता है, वो तापमान जिस पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल में बदलता है हम उसे किस नाम से जानते हैं, नील टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। यह चुंबकत्व पर तापमान का प्रभाव था। अगला एक छोटा सा पॉइंट है, इस प्रकार से अब हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल हम पता करेंगे इसके बारे में। वेरी इजी सा पॉइंट है डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक के बारे में बात करने का। तो वो ऐसा है, वो कंटेन, उसके लिए हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता ज्ञात होनी चाहिए। पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला जो चीज है हम क्या निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसे सामान्य शब्दों में ऐसे कहूं कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या दो हो सकती है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी एक विषम हो सकती है और दूसरा क्या हो सकता है, सम हो सकता है। जब विषम होंगे, विषम नंबर में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो ऐसे स्थिति में वो पदार्थ क्या होगा हमारे पास में, पैरा मैग्नेटिक होगा, और जब सम में होगा तो वो क्या होगा, डाई मैग्नेटिक होगा। मगर इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, अपवाद है, विषम संख्या में जब इलेक्ट्रॉन होंगे, या संयोजी इलेक्ट्रॉन को हटा दो, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर रहा हूं, कुल इलेक्ट्रॉन, और इसको बाह्य कोश को हम हटा देते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म पता करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात उसके सभी कोषों को मिलाकर इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकालते हैं। तो सभी कोष को मिलाकर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो दो प्रकार की स्थिति में हो सकती है, विषम और सम। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या दो चीजें हो सकती है, पहला है विषम और दूसरा है सम। विषम होगा तो ये पैरामैग्नेटिज्म है और सम होगा तो ये डाइमैग्नेटिज्म। मगर इसमें क्या है, अपवाद है, अपवाद यह है कि 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन जिनके होंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या,
10 और 16 इलेक्ट्रॉन दिखने के लिए तो सम संख्या है, मगर यह अपवाद है कि जिन परमाणुओं में 10 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी वो पैरामैग्नेटिज्म होगा, और इन 10 और 16 को छोड़कर जितने भी सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब डाइमैग्नेटिक होंगे, डाइमैग्नेटिज्म होंगे। तो अब इसको हम पता कैसे करेंगे, जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, आप कोई एक उदाहरण लेकर चलिए, जैसे एग्जाम्पल में ऑक्सीजन पे ले लिया मैंने ओ। अब O2 की हम बात करते हैं तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो ऑक्सीजन मिलाकर कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। O2 पर यदि हम बात करें तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और कितने ऑक्सीजन हमारे पास, 2, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो 8 प्रोटॉन होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन गुणा 2 कर दूंगा तो कितना मिल गया मुझे, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी को यदि हम ऐसे ले लेते हैं O2 पर हम सिंगल माइनस ले लेते हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के गुणा 2 करेंगे तो कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन, और एक माइनस चार्ज है इसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से ले लिया है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन गुणा 2 तो है ही, उसके साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया और कहीं से ले लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि इसी को O2 पर यदि 2 माइनस हो जाएगा तो इस स्थिति में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या की बस गणना करना है भाई, एक ऑक्सीजन पर 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, 8 परमाणु क्रमांक है इसका मतलब उसके पास 8 प्रोटॉन होगा तो 8 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास जैसे O2 2 माइनस की बात कर रहे हैं तो केवल O2 के पास तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से उसने क्या कर लिया है, उधारी ले लिया है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां देखिए कितने दिख रहे हैं हमको, 17 इलेक्ट्रॉन है, यहां 16 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे इसको डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक यदि हमको बात करना है तो क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑड नंबर जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 17 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं हमारे, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है इसलिए कौन सा मैग्नेटिज्म हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। मगर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 कैसा है, सम संख्या दिख रहा है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास, डायमैग्नेटिज्म। अब 16 की बात करते हैं, 16 जो है तो इवन नंबर, मगर केवल और केवल 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए अपवाद है कि हर वो पदार्थ जिसके बाह्य को जिसके जिसमें कुल टोटल 10 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो या उसमें कुल टोटल 16 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो तो भले ही ये दोनों संख्याएं सम क्यों ना हो ये पैरामैग्नेटिक के कैटेगरी में आएंगे। तो ये इवन होने के बाद ये किस कैटेगरी में आ रहा है, पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये इस प्रकार से क्या है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई और कंटेंट दे दिया गया, उसमें आपको डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक निकालने के लिए बोला गया, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे 4-5 प्रकार के हम उदाहरण ले लेते हैं, इस उदाहरण के अलावा हम और भी एग्जांपल लेते हैं जिसमें डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हम कैलकुलेट करने की बात करेंगे। स्टार्टिंग से चलिए देख लीजिए, स्टार्टिंग से हम एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, पहला एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन का, दूसरा है H प्लस का या H माइनस का ले लेते हैं हम इस पर, H माइनस का, तीसरा है हीलियम, चौथा है हीलियम 1 प्लस का, पांचवा जैसे आपने कार्बन का ले लिया, छठवा हमने नाइट्रोजन का ले लिया, हमने किसका ले लिया, नाइट्रोजन 2 का ले लिया, हमने किसका लिया, नाइट्रोजन 2 माइनस का ले लिया। इसी प्रकार से जैसे क्लोरीन ले लिया आपने, क्लोरीन माइनस का ले लिया हमने, फ्लोरीन है उसका ले सकते हैं, फ्लोरीन पर माइनस ले सकते हैं, और जैसे ये सामान्य एक एक थे, यदि इस पर कोई और चीज को लेना है जैसे CO2 को ले लिया हमने, जैसे कि NO को ले लिया हमने, इसी प्रकार से NO2 को ले लिया, इसी प्रकार से N2
O3 को ले लिया। ऐसे करके चलिए सबके लिए हम डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक चीजों को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सर्वप्रथम जो हमारा काम है वो ये है कि इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल क्या है याद होना चाहिए। सामान्य अवस्था में जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होते हैं, एवं सामान्य अवस्था के अलावा प्लस और माइनस का चार्ज यदि किसी के ऊपर है तो उसके आधार पर उतने इलेक्ट्रॉन को कम या ज्यादा किया जाता है। यदि माइनस का साइन है, सिंगल माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डबल माइनस है मतलब दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सिंगल प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, और उनके आधार पर हम डाइमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हम फाइंड आउट कर लेंगे। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन है, एच माइनस पर हाइड्रोजन पर एक होता है मगर इसके ऊपर माइनस लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से लिया है, मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए। हीलियम, हीलियम का एक परमाणु क्रमांक तीन होता है तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन हो गए। हीलियम प्लस की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। कार्बन छह होते हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन हुए। नाइट्रोजन सात है, सेवन इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। एन टू सात दो भी चौदह इलेक्ट्रॉन हो गए, एक नाइट्रोजन में सात तो एन टू में कितना हो गया, चौदह इलेक्ट्रॉन। एन टू माइनस, एन टू में चौदह इलेक्ट्रॉन थे, यहां माइनस हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पंद्रह इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से एक और हम ले लेते हैं, यहां एन टू पर मान लेते हैं टू माइनस हो गया। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, एक उदाहरण के लिए बस हम इन चीजों को ले रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है यहां कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन की बात करोगे, क्लोरीन नॉर्मल 17 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन माइनस पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लोरीन के 17 है, एक माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोर और फ्लोरीन माइनस पर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। CO2 इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 तो 8 इलेक्ट्रॉन, मगर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 2 हैं, तो 8 गुनी 16 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके और 6 कार्बन के मिलाकर होंगे 22, तो इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन। दिमाग में याद रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन का प्लस 2 गुणा 8 इलेक्ट्रॉन आपके किसके हो गए, ऑक्सीजन के, इस प्रकार से 22 आया है। NO का नाइट्रोजन के होते हैं 7, ऑक्सीजन के होते हैं 8, तो ये टोटल हो गए आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन। मगर NO2 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, नाइट्रोजन के 7 है और 16 और 7 ये मिलकर कितना हो गया, 23 इलेक्ट्रॉन हो गया। N2O3 ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा हेवी वैल्यू चला जाएगा, इतने में ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखते जाइए सब क्या क्या है, ये जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिज्म। इवन नंबर है तो उसी स्थिति के लिए क्या हो गया, डायमैग्नेटिज्म। फिर से ऑड नंबर, फिर से इवन नंबर, फिर से ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर हुआ, ये इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, ये हमारे पास इवन नंबर है। तो ऑड इवन, ऑड इवन को तो आप क्या कर सकते हो, डाई पैरा बता सकते हो कि ऑड नंबर के लिए पैरामैग्नेटिज्म है, इवन नंबर के लिए डाइमैग्नेटिज्म, इवन नंबर के लिए डाइमैग्नेटिज्म, ऑड नंबर के लिए पैरामैग्नेटिज्म, इवन नंबर के लिए डाइमैग्नेटिज्म, इस तरीके से ऑड के लिए क्या हुआ, पैरामैग्नेटिज्म हुआ। मगर 16 इलेक्ट्रॉन वाला एक अपवाद है, 16 होने के लिए तो इवन होता है, इवन होने के बावजूद क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिज्म होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं चाहे वो O2 हो चाहे N2 के ऊपर 2 माइनस हो, ये कैसे होंगे आपके, पैरामैग्नेटिज्म होंगे। इसी प्रकार जैसे इन ग्रुप की बात करोगे, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन ऑड है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, पैरा। 18 की अपन बात करते हैं तो ये क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर रहेगा तो उसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा हमारा, डायमैग्नेटिज्म। 9 इलेक्ट्रॉन ऑड है इसके कारण ये हो गया पैरामैग्नेटिज्म। 10 इलेक्ट्रॉन है तो इवन, मगर अपवाद हमने देखा था कि जैसे 16 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिज्म होता है वैसे 10 इलेक्ट्रॉन वाले भी क्या होंगे, पैरामैग्नेटिज्म होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें इवन है ये भी क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिज्म होगा। तो इस प्रकार से
आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, उस कंपाउंड के कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के पश्चात उसमें ऑड नंबर इवन नंबर आप काउंट करेंगे और उसके आधार पर डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म का आप निर्धारण करेंगे। मगर आपको एक ही बात को बस ध्यान रखना है और वो ये है कि यदि 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो भले ये इवन नंबर क्यों ना हो, ये ऑड वाले ग्रुप में काउंट होंगे जिसको हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है चुंबकत्व, ये आपका समाप्त होता है, खत्म होता है। भौतिकी में हम आगे की जो क्लास है वो हम परावर्तन से स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन। परावर्तन कंप्लीट होने के पश्चात हम अपवर्तन के ऊपर बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।